हमारे साथ एक इंडस्ट्री के दिग्गज वेटरन फंड मैनेजर और कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ निलेश शाह इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान निलेश शाह जुड़े हैं। निलेश शाह आपको सर कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ हैं। इससे पहले निलेश भाई आईसीआईसीआई ग्रुप में भी काम कर चुके हैं, सेल साइड में भी काम कर चुके हैं, बाय साइड में भी काम कर चुके हैं। शुरुआत इन्होंने की थी एज बॉन्ड फंड मैनेजर और उसके बाद बॉन्ड से इक्विटी में आए। ऑब्वियसली एक बार इक्विटी में इंसान आ जाए उसके बाद वापस बॉन्ड में जा नहीं सकता। तो खैर बात करते हैं निलेश भाई से। निलेश भाई गुड मॉर्निंग। क्या क्या लग रहा है मार्केट में? हमने पिछली चर्चा में जब डिस्कशन किया था तो आपने एक वार्निंग दी थी, मुझे अच्छे से याद है। निलेश भाई अपने शब्दों को बहुत तोल के बोलते हैं और उन्होंने ये शब्द यूज किए थे कि इस मार्केट में गधे और घोड़े सब दौड़ रहे हैं एक साथ, तो इसके लिए थोड़ा कॉशियस हो जाइए। कुछ गधों की तो पिटाई हो गई निलेश भाई इस समय लग रहा है देखकर, लेकिन घोड़ों की भी पिटाई हो रही है। अब सबसे बड़े घोड़े की पिटाई हो रही है, क्या भी इस समय? तो अनुज भाई इस वक्त देयर आर डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ऑन होराइजन। एक ऑयल के दाम 3 डिजिट में जाने की आशंका है, दूसरा फेड रेट्स हायर फॉर लॉन्गर की बात कर रहा है, और तीसरा मानसून डिफिशियंसी की वजह से महंगाई के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर एक मार्जिनल इम्पैक्ट आ सकती है। अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बरकरार है, लेकिन प्राइसेस स्पेशली माइक्रो कैप, मिनी कैप और स्मॉल कैप में अपने फंडामेंटल से थोड़े उम्मीद में आगे चले गए थे। अब रियलिटी चेक हो रहा है और उस वजह से हम लोग थोड़ा प्राइस करेक्शन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन के साथ साथ थोड़ा टाइम करेक्शन भी आएगा। जो दाम बहुत तेजी से भाग रहे थे वो थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा करेक्ट होंगे ताकि फंडामेंटल उनके पास आ सके। अच्छा आप इस सवाल का थोड़ा सा जवाब दीजिए नरेश भाई कि अब एक ऐसा स्टॉक जिसने मार्केट में इतना पैसा लोगों के लिए बना के दिया है, एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूं मैं, आई एम श्योर आपके फंड में होगा, आपके सारे फंड्स में होगा, क्या मार्केट को बॉदर कर रहा है और क्या ये मार्केट का जो प्राइस पैटर्न है ये सही है या यहां पर कोई एक अपॉर्चुनिटी एमर्ज होकर आ रही है? So, अनुज भाई स्टॉक स्पेसिफिक की बात करना हमें अलाउड नहीं है, और जैसा आपने कहा हम इस स्टॉक में निवेशक है। अब जो हो गया हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर। आई थिंक जिस तरह जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडाइसेस ने भारत को बॉन्ड इंडाइसेस में इंक्लूड किया, वैसे ही अगर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक अपने फुल और फेयर वेट पे आ जाता है, जो कि आज डिस्काउंटेड है, तो एक बाइंग इमर्ज हो सकती है और उस वजह से इस स्टॉक को एक सपोर्ट मिल सकता है। सो दिस इज टेक्निकल फैक्टर, इसके ऊपर ना फंड मैनेजर का कंट्रोल है ना कंपनी का कंट्रोल है, यह इंडेक्स एजेंसी के दारोमदार पे है। दूसरी चीज है कि ये मर्जर के जरिए जो सिनर्जी पैदा होगी उसको किस तरह से एक्सप्लोइट किया जा सकता है। हमने हमेशा देखा है जब मर्जर होते हैं तो सिनर्जी क्रिएट करने में कई बार समय लग जाता है, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो मर्जर के समय प्राइस नहीं की गई हो, समझी नहीं गई हो। मेरे हिसाब से निवेशक आज भी इन प्रकार की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है, क्या कोई इंडेक्स इंक्लूजन की वजह से बाइंग इमर्ज हो सकती है या ये मर्जर के जरिए जो सिनर्जी एक्सपेक्टेशन थी वो किस तरह से रोल आउट होती है। निलेश सर की बंडी पे भी कोटक का लोगो है, मुझे भी सीबीसी वास की लोगो वाली टी-शर्ट चाहिए। अच्छा निलेश सर गुड गुड मॉर्निंग, लोगो वाली पहने तो मैं टी-शर्ट बेचता हूं। उसका हम पैसा लेते हैं निलेश भाई। निलेश सर भागी ऐसा है, एक बार बॉन्ड से इक्विटी में आ गए तो बॉन्ड में जाने का मन नहीं करता या मिस करते आप बॉन्ड मार्केट्स को? पहले प्यार को भूलना बहुत मुश्किल है, तो दिल से तो मैं आज भी बॉन्ड ट्रेडर ही हूँ, पर जैसे अनुज भाई ने कहा कि इक्विटी आपको जकड़ लेती है, इक्विटी में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। भारत की बॉन्ड मार्केट में लिवरेज परमिटेड नहीं है, शायद अगर दूसरे देशों की तरह भारत की बॉन्ड मार्केट में लिवरेज मिलता तो मैं बॉन्ड ट्रेडिंग कभी नहीं छोड़ता, और बॉन्ड में लिवरेज के जरिए इतना पैसा बनाता कि लोग इक्विटी की जगह सिर्फ बॉन्ड में निवेश करते। निलेश सर आपने क्योंकि जेपी मॉर्गन में हमारा इंक्लूजन की बात छेड़ी थी, बिल्कुल ठीक है, बहुत कंफर्ट आएगा हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसिस को लेकर, पर उतने ही ज्यादा हम और डिपेंडेंट हो जाएंगे शायद ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस पे। अभी तो एक की बात बाढ़ खुली है, अभी तो कहा जा रहा है बाकियों के भी नंबर लगने वाले हैं, ब्लूमबर्ग बार्कलेज का, मेरे ख्याल से आगे चलते हुए फुटसी का, तो ये डिपेंडेंस जो बढ़ेगी ये हम क्योंकि हम थोड़ा सा डोमेस्टिक स्टोरी ज्यादा है, अब इसका रिप्रोकेशन कितने फार रीचिंग होंगे वो एक पहले सीखा, फिर मैं दूसरा इक्विटीज पे आता हूं। सो आशीष भाई अगर तेज तर्रार घोड़ा हो तो उसके ऊपर लगाम आ जाए तो वो उसके लिए अच्छा है। जब ग्लोबल निवेशक अपना कैपिटल देते हैं तो ऑब्वियसली लेने वाले देश को इंटीग्रेट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की इंपैक्ट भी हमारी मार्केट पे कंट्री पे गिरती है, बट वो वैसे ही इंपैक्ट आती है जैसे हमें एक्सपोर्ट्स से आती है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है,
एक्सपोर्ट्स के जरिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के जरिए हम ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड हैं। इस तरह इंडेक्स में इंक्लूड होके अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो अच्छी बात है। इससे हमारी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एक दायित्व बनेगा, हमारे लिए ही नहीं पर दुनिया के बाकी इमर्जिंग मार्केट के लिए हमें एक मिसाल बनानी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म निवेशक चाहे वो भारत की इक्विटी मार्केट में हो चाहे डेट मार्केट में हो अच्छा पैसा बना के जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से हम इंटीग्रेट हो रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, ग्लोबल वर्ल्ड में, वो अच्छी बात है। दायित्व जरूर आता है बट वो दायित्व के जरिए हम अपनी ग्रोथ को और तेज कर सकते हैं। एक बार मुझे याद है पोस्ट कोविड आपसे चर्चा हो रही थी, उसमें आपने एक सेक्टर चुना था ऑटोस, जिसमें आपने एक लॉजिक यूज किया था कि कंबाइंड मार्केट कैप उसका जो था वो बहुत ही डिस्काउंट पे अवेलेबल था। अब हमने देखा बहुत बड़ी रैली हुई मारुति में, अभी अभी लाइफ टाइम हिट किया मारुति ने, टीवीएस लाइफ टाइम हाई पर है, महिंद्रा लाइफ टाइम हाई पर है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा तो वो जापानीज ने 2000 में ले लिया वो 3000 क्रॉस कर गया, अलग लेवल की बाइंग हुई है यहाँ पर। इसका रीजन क्या रहा है और क्या यहाँ पर आप थोड़े से बबल दिख रहे हैं आपको या ये रैली ऐसे चलेगी? सो अनुज भाई, एक तो कोविड की वजह से लोगों ने ऑटो की खरीदारी कम कर दी थी और फिर उनकी तकदीर खराब थी कि चिप्स की शॉर्टेज की वजह से वो सप्लाई भी नहीं कर पाए, ऑर्डर बुक बढ़ी बट वॉल्यूम नहीं आ रहा था और दुकान में अधिक मास की तरह रॉ मटेरियल प्राइसेस भी ऊपर चले गए, तो उनके लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म हो गया। रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, मार्जिन पे इम्पैक्ट आई, चिप की वजह से वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाए, तो ये सारी चीजों की वजह से उनके स्टॉक बॉटम पे आ गए थे। जनरली मतलब देखते हैं जब वैल्यूएशन सस्ता हो और संशय के बादल घिरे हो तो लेने का अच्छा मौका मिलता है। अब चिप की शॉर्टेजेस दूर हो गई, रॉ मटेरियल प्राइस कम हो गई और जो ऑर्डर बुक बनी थी उसमें अब डिलीवरी करने लगे। मोर इम्पोर्टेंटली अनुज भाई, एक बहुत बड़ी चीज हो गई जो मतलब ऑटो कंपनीज के बहुत फायदे में है कि पहले आप एंट्री लेवल गाड़ी बेचते थे, 2.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख की गाड़ी बेचते थे, 10% मार्जिन करो तो 25,000 से 40,000 बनाते थे। आज आप 20-25 लाख की गाड़ी बेचने लगे हैं, एंट्री लेवल से ज्यादा लोग एसयूवी खरीद रहे हैं, 25 लाख की गाड़ी बेचेंगे 10% बनाएंगे तो 2.5 लाख रुपया बना सकते हैं। तो पर यूनिट रियलाइजेशन चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, बढ़ता गया और ये सारी चीजों की वजह से हमने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी तेजी देखी है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि 2 व्हीलर सेगमेंट में मॉनसून डिफिशियंसी की वजह से अगर रूरल रिकवरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है तो उस वजह से एक करेक्शन आ सकता है। 4 व्हीलर में अभी भी मेरे हिसाब से तेजी बनी रहनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है वह 4 व्हीलर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है। नीलेश सर, आपका पहले सवाल का जवाब मार्केट्स के मूड को लेकर, तब आपने हाईलाइट किया था वो फेड की कमेंट्री में हायर फॉर लॉन्गर या फिर वो मॉनसून डिफिशियंसी, वो सब रीजन है भारतीय बाजार पस्त पड़े हुए एक प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन के फेज में। डैमेज कितना और बाकी नीलेश सर, या फिर नीलेश सर किन लेवल्स पर निफ्टी के आपको लगेगा हो गया मेरा कंफर्ट बढ़ रहा है और जब पता है मुझे कि प्राइस और टाइम वाइज डैमेज बचा है इस बाजार में तो जो 15,000 करोड़ रुपए के SIP फ्लोज आ रहे हैं हर महीने आप जैसे फंड मैनेजर कैसे डिप्लॉय कर रहे हो? So, एक ये जो 15,000 से ज्यादा करोड़ के SIP फ्लोज आ रहे हैं उसके साथ साथ निवेशकों का एक और मैच्योर बिहेवियर देख रहे हैं। अगर मैं मार्च 2020 से मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे वाले हिस्सों के समय SIP प्लस सब्सक्रिप्शन मिलके हमें 20 से 25,000 करोड़ डिप्लॉयमेंट में मिलने लगे और ऊपर वाले हिस्से में SIP माइनस रिडम्शन करके 2 से 5,000 करोड़ रुपए हमें निवेश करने को मिल रहे थे। सो एक लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपना असेट एलोकेशन कलेक्टिवली किया है ताकि नीचे के लेवल पे म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा पैसा मिला निवेश करने के लिए और ऊपर के लेवल पे कम मिला। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये बिहेवियर बरकरार रहेगी। इसी बिहेवियर की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में करेक्शन उम्मीद से कम रहेगा। अगर आपको लगता है कि फेयर वैल्यू मार्केट के यहाँ से 10% नीचे है तो करेक्शन 10% तक नहीं होगा, वो उससे कम ही रहेगा बिकॉज लोअर लेवल पे सारे लोग खरीदारी करने की सोचेंगे। कुछ हद तक विदेशी निवेशकों के लिए हमारी मार्केट एक बिरबल की कहानी है। हमारी ग्रोथ स्टोरी तो अच्छी थी बट दूसरे देशों ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी ग्रोथ स्टोरी छोटी कर दी है तो हमारी ग्रोथ स्टोरी और भी अच्छी लगने लगी है। लोअर लेवल पे मुझे लगता है विदेशी निवेशक और देशी निवेशक की खरीदारी बरकरार रहेगी और इसीलिए मार्केट का करेक्शन लोगों की धारणा से कम ही रहेगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब बर्निंग सवालों के जवाब देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, कुछ कह रहे थे आप? मैं तो इस बाजार देख रहा था, आपने सुबह जो लेवल्स मेंशन कर रहे थे, हम है तो टेक्सचर वीक ही, हम वो मिड पॉइंट